नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है ड्रुपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की सीरीज़, जिसमें हम लोगों ने अब तक प्रोडक्ट सेटअप कर लिया है अपना। और पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने एक वेबसाइट से हम लोगों ने जो कि थी, जिसमें हम लोगों ने पहले से ही प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर रखा था, तो उससे हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था एग्ज़ाम्पल के लिए कि कैसे हम अगर किसी वेबसाइट से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ मिस कर दी थी दोस्तों, कि हम लोगों ने यहाँ पर इमेज नहीं ली थी। तो दोस्तों अगर हम लोग पिछला अगर हम लोगों ने देखा था, तो उसमें हम लोगों ने इमेज हमें इस तरीके से कुछ चाहिए, मतलब इमेज का यूआरएल हमें चाहिए, ठीक है। तो उसमें करेंगे क्या कि हमें इमेज के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि इमेज तो हमें ऐसे मिल जाएगी कि क्योंकि हमें इसमें इमेज नहीं चाहिए, इमेज का पाथ चाहिए, ठीक है। तो इमेज का पाथ के लिए आपको यहाँ पर रिलेशनशिप ऐड करना पड़ेगा। एडवांस सेक्शन के अंदर आप जाएंगे रिलेशनशिप के टैब में, तो आपको ऐड एक रिलेशनशिप करना पड़ेगा, इमेज के साथ आपको रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो आपका है, जो आपकी इमेजेस है, उसके साथ आपको रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। जब आप रिलेशनशिप ऐड कर देंगे, तब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फाइल पाथ का, ठीक है। तब आप नीचे आएंगे, जब फाइल सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ आपको फाइल पाथ का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तब आप किसी इमेज का या किसी फाइल का ही पाथ पा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको सेव कर दिया। अब नीचे आके देखेंगे, देखिए ये आपका इमेज का पाथ आ गया, ठीक है। तो ये था कि हम लोग कैसे किसी इमेज का कैसे पाथ हम लोग कैसे निकालें, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इसको सेव करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, जो कि हमें हमारी फाइल डाउनलोड हो गई। अब इसको हम लोग .csv में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं, तो अभी सेव नहीं हुआ, चेक करते हैं। ठीक है, तो हाँ सब ठीक है। ठीक है, एक चीज़ दोस्तों हमें और करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा मास्टर है उसमें भी हमें एक चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हमें करना पड़ेगा इनफाइनाइट स्कॉल, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, ये सही है। अब हम लोग आते हैं, यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। ये आ गया, ठीक है। उस समय शायद सेव नहीं था, इसलिए आ नहीं रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और इसको हम लोग csv में चेंज करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ओपन करते हैं इस फाइल में, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास पाथ भी आ गया हमारा, जहाँ हमारा डायरेक्टरी में सेव है, तो जिस उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डायरेक्ट्री बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ कुछ चीज़ें जो हमें करनी है, जैसे कि शूज़ में क्या है हमें यहाँ पर, और हम अपने पैटर्न मैच कर लेते हैं, ठीक है। पैटर्न ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पैटर्न था हमारा, टाइटल था, स्क्यू था, स्टेटस था, साइज़ था, ब्रांड था, कलर था, इमेज था, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेस्ट। अब इसमें टाइटल टाइटल की जगह है, प्राइस सही है, और प्राइस में भी दोस्तों हमको यहाँ पर 0 लगाना है पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसमें करनी पड़ेंगी, मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको csv, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। प्राइस ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें कॉमा डॉट अगर हम लोग रिमूव कर देंगे और डॉलर रिमूव कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, तो हमारा 23 डॉलर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे कर देंगे और हमारा जो पैटर्न चल रहा था डीएस वाला डीसी वाला डुपर कॉमर्स 004 तक गया था, ये हमारा नया पैटर्न बन जाएगा। तो हम लोग अब जब इसको हम लोग इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न सेट हो जाएगा और ब्रांड हमारा सही है, साइज़ हमारा सही है। यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, ब्रांड में हमारा वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको कट कर लेते हैं और इसमें एक नई फील्ड ऐड करते हैं, लेफ्ट कॉलम यहाँ रख देते हैं अपनी सारी फील्ड, और ये हमारा हो गया ब्रांड, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ब्रांड हो गया। और हमारा ये हम लोग यहाँ से नीचे तक जाते हैं, इसको इमेज में कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा कलर था वो हम कलर में डाल लेते हैं। तो ये सिंपल सा है कि मतलब आपको पूरी करनी पड़ेगी, जैसे हमने पैटर्न ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग इमेज साथ में लेते तो पैटर्न ये करना ना पड़ता। तो अभी इतना ज़्यादा डेटा नहीं है, कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और हमारा साइज़ में हमको साइज़, तो हम ये जब हम सी एस वी बना लेंगे तो दोस्तों हम सीधा अपना इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ब्रांड हमारा हो चुका है, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटस में हमारा क्या जाएगा दोस्तों, 1, और 1 लिख के अगर हम इसको इस तरीके से खींच देंगे तो ये हमारा सब में स्टेटस हमारा 1 चला गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारी, हमारा बस प्राइस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि हमें यहाँ पर करना है, और ठीक है हमें प्राइस यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो हमें फॉर्मेट डालना है वो, ठीक है, डॉलर डॉलर नहीं चाहिए इसमें हमें, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे और इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। और हमें एक चीज़ और यहाँ पर करनी पड़ेगी, बस हमें ये इमेजेस की डायरेक्टरी हमारी जाए तो वहाँ पर सारी इमेजेस हमें डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि कैसे इसको इंपोर्ट कर सके, ठीक है, और इसके बाद किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।